हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू पीआईबी एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ 5 क्वेश्चंस। और इसमें हम पीआईबी की सारी न्यूज कवर करते हैं गाइज ऑफ द प्रीवियस डे। एंड दिस सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी, ईएसआई सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। So guys, question number 1 is, recently Government of India opened up NDRF fund for contribution from any person or individual, right? With respect to the NDRF, yani ki National Disaster Response Fund, identify the incorrect statement. So recently guys, Government of India ne jo NDR fund hai, yani ki National Disaster Response Fund hai, usko contribution ke liye khol diya hai from any individual person. Ab uske andar koi bhi donate kar sakta hai. So, हमें बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू द फंड क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इससे पहले ये था गाइस कि इसके अंदर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसके अंदर या इंडिविजुअल डोनेट या कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती थी बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता था। बट नाउ इट हैज बीन ओपन फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन, राइट? सो रिसेंटली दिस इज द न्यूज दैट गवर्नमेंट ओपन अप दिस NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन एज पर दी सेक्शन 46(1)(b) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। नाउ गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या ये सेक्शन न्यूली इंसर्ट किया गया है इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। नो, ऐसा नहीं है। ये सेक्शन ऑलरेडी वहां पे था। इस सेक्शन के अंदर दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये है दैट फॉर एनी डिजास्टर जो फंड है वो रेस किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ फंड प्रोवाइड कराएगी एज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरा प्रोविजन इसका ये था कि इट विल बी ओपन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और पर्सन, राइट? किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो प्रोविजन है, सेकेंड प्रोविजन, इट has not been used yet. अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, but yes, now government ने इसको open कर दिया गया है for contribution from any person or any individual. Okay, अब इसके अंदर कोई भी donate कर सकता है, alright? And remember one thing कि ये section आपको याद हो जाता है तो well and good, otherwise no problem. अगर section क्योंकि काफी अजीब सा section है, so हो सकता है कि exam में ना पूछा जाए, but अगर आपको याद हो जाए तो that's well and good. Now guys, let's discuss some basic facts about this fund. So it is a statutory fund that was established under the Disaster Management Act of 2005. At national level ki agar hum baat karte hain, so there is NDRF, National Disaster Response Fund, and at state level there is State Disaster Response Fund. And ye jo fund tha, isko establish isliye kiya gaya tha taki during the disaster jo bhi rescue aur relief ke expenditure hote hain usko pura kiya ja sake, to meet the rescue and relief expenditure during any disaster. And remember one thing guys, ki ye jo fund hai, इसका यूज केवल ड्यूरिंग द डिजास्टर किया जाता है, ऑलराइट? ड्यूरिंग द डिजास्टर फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन और फॉर रिलीफ एक्सपेंडिचर इसका यूज किया जाएगा। इसका एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल आफ्टर द डिजास्टर कॉम्पेंसेशन के रूप में नहीं किया जा सकता। दिस फंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन आफ्टर द डिजास्टर इज ओवर, ऑलराइट? अगर डिजास्टर में किसी पर्सन का कोई लॉस होता है, घर गिर जाता है या कुछ और नुकसान होता है, तो उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, उसको इसमें से एनडीआरएफ में से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में से नहीं यूज किया जाएगा, राइट? एंड गाइस, दिस इज एंटायरली फंडेड बाय सेंटर थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी लगाती है ऑन सम स्पेसिफाइड गुड, लाइक पेट्रोल पे लगता है, एल्कोहल्स पे लग जाता है। So, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है उनके ऊपर नेशनल कलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी लगा के गवर्नमेंट जो है इस फंड को जमा करती है एंड देन यूज इट फॉर द रिलीफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एनी डिजास्टर, राइट? एंड रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इट इज मेंटेन अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। जो पब्लिक अकाउंट है इंडिया का, उसके अंदर इसको मेंटेन किया जाता है, ओके? सो गाइस, दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राइट? If you talk about National Disaster Response Force, so it was established in the year 2006 under Disaster Management Act of 2005, okay? And it works under Ministry of Home Affairs, okay? ये Ministry of Home Affairs के अंदर आता है। And one more thing that there is one organization which is National Disaster Management Authority, which is the apex organization for all the disaster management in our country.
And now let me ask you a different question, that who is the chairperson of NDMA? Write down in comments the chairperson of NDMA. NDMA का chairperson कौन होता है इंडिया में? Okay, ये fixed position है एक एक person के लिए. So you have to tell the name of chairperson of NDMA, and NDMA is the apex body for all the disaster management things in our country. Okay, and if you talk about NDRF, so it is a National Disaster Response Force established in 2006, works under Ministry of Home Affairs. Right. Now let's move on to the question, guys. So the question is, we have to identify the incorrect statement. So it is a statutory fund established under DM Act 2005. Yes, this is absolutely correct. It is maintained under Contingency Fund of India. No, guys, it is not under Contingency Fund of India. It is under Public Accounts of India. So this statement second is incorrect. Funded by the center. Yes, this is funded by the center, but now it is open for contribution from any person or any individual, right? So therefore the correct answer should be what? Option B, only two. All right, option B, only two will be the correct answer. Now let's move on to question number news number two, which is about the UN Multidimensional Poverty Index. So United Nations ne abhi recently Multidimensional Poverty Index release kiya hai, uske baare mein news hai. So let us discuss this. So this report was released by UNDP, United Nations Development Programme, and Oxford Poverty and Human Development Initiative. Guys, UNDP is headquartered in New York and it is headed by Ashim Steiner. Ashim Steiner is the head of UNDP, and the data for this index, Multidimensional Poverty Index, were obtained from United Nations Department of Economic and Social Affairs. So there is one department under UN which is known as Department of Economic and Social Affairs. वहाँ से इसके लिए data obtained किया गया है. And remember that it was released by UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative. Alright. Now let's talk about, guys, the highlights of the index. तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारा data release किया है United Nations ने. So all the data are not the important for us. Okay. इतना सारा data आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. These are some important data. So, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, then that is well and good, और इतने इससे ज़्यादा I think आपके एग्जाम में नहीं आएगा. So, data number one is that around 1.3 billion people in 107 developing countries of the world live in multidimensional poverty. 160 developing countries में से 1.3 billion people अभी भी ऐसे हैं जो कि multidimensional poverty में रह रहे हैं. Now, guys, can you tell me the meaning of multidimensional poverty? Okay, so let me tell you this, कि multidimensional poverty का मतलब होता है that a person is who is poor in the every sphere of life, यानी कि उसका health condition खराब है, उसको medical condition proper नहीं मिल रही है, उसका education अच्छा नहीं है, उसके साथ discrimination किया जा रहा है, उसकी जो living conditions है वो poor है. So multidimensional poverty में जो life का हर एक sphere है, that is covered, alright. So multidimensional poverty का मतलब I hope आपको clear है. And next is that India recorded the largest reduction in the world in multidimensional poverty for the period 2015 to 2019. 2015 से 19 के पीरियड के दौरान इंडिया ने सबसे ज्यादा रिडक्शन रिकॉर्ड किया है इन दिस मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अराउंड 273 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट द मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स इन इंडिया. राइट, इससे पहले का जो इंडेक्स था उसमें 271 मिलियन था, अब आप उसको भूल जाओ. इट इज नाउ इंक्रीज टू 273 मिलियन. 273 मिलियन पर्सन को मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है हमारे देश ने इन द लास्ट 10 ईयर्स. एंड नेक्स्ट इज दैट अराउंड 2.6 मिलियन चिल्ड्रन इन द इंडिया इन आर कंट्री आर अनवैक्सीनेटेड, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है. दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर अस, बट गवर्नमेंट ने काफी सारे कैंपेन चलाए हुए हैं फॉर द वैक्सीनेशन. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट. एंड नेक्स्ट इज दैट इंडिया हैव्ड इज एमपीआई वैल्यू अमंग चिल्ड्रन ऑफ एज 10 एंड 10.5. जो चिल्ड्रन 10 और 10.5 साल के हैं उनकी बात अगर हम करते हैं, तो इंडिया ने अपनी एमपीआई वैल्यू को यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू को हाफ कर लिया है. ओके, सो दीज आर सम डेटा अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, गाइस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सो इट वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2010 बाय यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, वी ऑल नो. एंड इट यूजेस 3 dimensionals फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ दिस इंडेक्स, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तीन जो डायमेंशंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ दिस इंडेक्स, एंड दीज आर एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना. दैट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इनक्लोजेस डेप्रिवेशंस एक्सपीरियंस बाय पुअर पीपल सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वायलेंस, हजार्डस लिविंग कंडीशंस एक्सेट्रा. सो लाइफ के हर स्फीयर में अगर कोई इंसान के साथ प्रॉब्लम्स हैं,
तो उसको हम बोलते हैं कि ही इज द मल्टी डायमेंशनली पुअर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज अबाउट यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. गाइस आई होप आपको इस इंडेक्स के सारे प्रोविजन क्लियर हैं, सारी चीजें क्लियर हैं. एंड इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. सो यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड. विच ऑर्गन ऑफ यूएन रिलीजेस दिस इंडेक्स? यूनाइटेड नेशन के किस ऑर्गन ने, किस प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया है? सो ऑप्शन ए इज यूएन इकोसॉक. नो, यूनिसेफ ने नहीं किया है, यूएनएफपीए ने नहीं किया है. इट हैज बीन रिलीज्ड बाय यूएनडीपी. यूएनडीपी द्वारा इसको रिलीज किया गया है गाइस. यूएन इकोसॉक गाइस इट इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क एंड इट इज हेडेड बाय मोना यूल. मोना यूल रिटन एज मोना जूल बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज मोना यूल. यूनिसेफ वी ऑल नो हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क हेडेड बाय हेनरिएटा फोर, राइट. यूएनएफपीए इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. UNDP, I already told you, New York. UNESCO, it is headquartered in Paris and it is headed by Audrey Azoulay. Alright, and if you talk about United Nations Secretary General, he is Antonio Guterres, who is the former Prime Minister of Poland. Alright, so the correct answer guys is what? Option D, UNDP. Now let's move on to question number 3, which is also based on this index. So with this reference to multidimensional poverty index of 2020, we have to identify the incorrect statement. हमें incorrect statement identify करना है with respect to this index for this year. So option A is India recorded the largest reduction in multidimensional poverty in the period. This, yes, this is absolutely correct. 290 million people were lifted out of multidimensional poverty in the last 10 years. No, it is not 290 million, it is 273 million. So therefore the correct answer should be what? Option B. ऑप्शन बी गाइज इज द करेक्ट आंसर. गाइज आई होप आपको ये इंडेक्स क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के लिए हमारे पास एक पैसेज गिवन है गाइज. इस तरीके का क्वेश्चन ईएसआई सेक्शन में आता है काफी ज्यादा. जो 35 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 मार्क्स के वो जनरली इसी फॉर्म में होते हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द न्यू फॉर्मेट. सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. एक पैसेज है और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमें बताना है. So let us first read out the passage. Ministry of HRD has launched a program in 2019 to build capacities of teachers and school principals at the elementary stage. The initiative is an integrated teacher training program of the Department of School Education and Literacy, which is under Ministry of HRD. Under this scheme, 42 lakh participants will be provided training by key resource person and state resource persons. The aim of this training is to motivate and equip teachers to encourage and foster critical thinking in the students. Alright, so ये एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD टू बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट एलिमेंट्री स्टेज. जो टीचर्स हैं और स्कूल हेड्स हैं उनकी जो कैपेसिटीज है उसको बिल्ड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. और ये जो स्कीम है, ये इनिशिएटिव है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, अंडर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, और इसके अंदर होगा क्या कि 42 लाख पार्टिसिपेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग बाय द की रिसोर्स पर्संस एंड द स्टेट रिसोर्स पर्सन. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्कीम विच इज गिवन इन द पैसेज. सो गाइज अगर आप मेरे गवर्नमेंट स्कीम के सेशन देख रहे हो, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द स्कीम. और अगर आपको स्कीम की, इन सभी स्कीम्स के फुल फॉर्म पता है, लाइक निष्ठा के फुल फॉर्म इफ यू नो, रूसा, सक्षम, समग्र शिक्षा, नो फुल फॉर्म, दीक्षा, इन सबके अगर फुल फॉर्म भी आपको पता है, so you can easily identify the scheme. So now let me tell you the answer. The correct answer is what? Option A, NISHTA. The scheme is what? NISHTA. And NISHTA stands for National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancements. Alright? Holistic Advancements. So the name says it all. सब कुछ इसके नाम में छुपा हुआ है, ठीक है जी. सो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती है, सो यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन. सो मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम के सेशन में बताया था कि जो स्कीम का फुल फॉर्म होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज वॉट? ऑप्शन ए, निष्ठा. नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग निष्ठा टूडे? बिकॉज देर इज वन रिसेंट चेंज इन निष्ठा, रिसेंट अपडेट इन निष्ठा. एंड वॉट इज दैट अपडेट? क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट दैट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स निष्ठा प्रोग्राम वॉज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन मोड? अभी तक जो निष्ठा था वो फेस टू फेस मोड पे चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 वी ऑल नो फेस टू फेस मोड इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. सो
जो निष्ठा प्रोग्राम है उसको एक स्टेट के अंदर ऑनलाइन बोर्ड में लॉन्च कर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, राइट? सो वी हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट स्टेट, राइट? सो गाइज, लेट मी टेल यू द आंसर हियर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश. एंड दिस क्वेश्चन गाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी टॉक अबाउट द एग्जाम्स. सो करेक्ट आंसर इज वॉट? आंध्र प्रदेश. ओके, सो नाउ वॉट इज द न्यूज? सो रिसेंटली निष्ठा प्रोग्राम वॉज लॉन्च फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन बोर्ड इन आंध्र प्रदेश. एंड वी ऑल नो द एम ऑफ निष्ठा प्रोग्राम, जो कि सब कुछ हम पैसेज में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. And this is the key points, like this scheme was launched in 2019 through the face-to-face mode, but due to COVID-19 pandemic, we have to switch on to the online mode. And the first state is what? Andhra Pradesh. Okay. So guys, that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसा लगा? Please comment करके जरूर बताएं. And if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.